हे hey फूडीज कैसे हो आप लोग तो आज तो मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी स्नैक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि इतना क्रिस्पी है कि अगर आपने एक बार खा लिया ना तो आप इसको बार बार खाते रहोगे और अगर आपको इस स्नैक की सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिपी आ, पता करनी है ना तो आपको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी तो सबसे पहले मैंने दो तीन आलू मैश कर लिए है उसके बाद मैंने इसमें नमक औरिगानो चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर डाला है और इसमें मैंने दो से तीन चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लो या मैदा डाल लो मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है और अगर ये फिर भी डो जैसा ना बने तो आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम या और थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल सकते हो फिर मैंने इसमें धनिया डाल लिया है एंड अब इसको हम पाँच से दस मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे अब आप एक बटर पेपर को अच्छे से ग्रीस कर लो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है ना तो पॉलीथीन लेके उसे कट कर लेना और उसे अच्छे से ग्रीस कर देना फिर मैंने फिफ्टी परसेंट जो डो था वो मैंने इसमें रखा है एंड अच्छे से इसे बेलना है और ज़्यादा प्रेस नहीं करना तो बहुत पतला हो जाएगा और फिर अब हम इसे ध्यान से एंड्स को छोड़ते हुए इसमें मोजरेला चीज़ भर देना है एंड अब हमें इसे ना ट्रायंगल शेप देनी है मैंने ट्रायंगल दिया आप सर्कल भी दे सकते हो ट्रायंगल थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है ना इसलिए अब जो है ना ये रेसिपी का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है तो मैंने ले लिया है और हमें इसे अच्छे से क्रश कर लेना अच्छे से और अभी ना एक और सीक्रेट बाकी है तो एंड तक पक्का देखना ठीक है तो अब मैंने इसे से निकाल लिया है और उसके बाद इसको मैं कट करूँगी और जो हमने बैमबिनो ले कर रखी हुई थी ना क्रश uh, करी हुई तो उसमें हमें डिप करना है बट उससे पहले हमें जो नॉर्मल हम स्लरी बनाते हैं ना कितनी सारी चीज़ों में यूज़ होती है मैदे और uh, कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी तो हमें वही बनानी है बहुत सिंपल तरीके से थोड़ा सा नमक और कुछ स्पाइसेस डाल के उसके बाद अब हमें इसको अच्छे से बामिनों में रोल कर लेना है एंड इसको साइड कर देना जब सारे हो जाए ना रोल तो फिर इसके बाद अब हमें इसको करना है फ्राई तो जब तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं ना तब तक फटाफट से अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे कमेंट्स में भी बताना कि आपको मेरे चैनल पे और कौन सी कौन सी रेसिपीज़ चाहिए और अगर आपने कोई पुरानी रेसिपी ट्राई की है तो आपको कैसी लगी थी ठीक है और अब हमने इसको कर लिया फ्राई और अब एक और इंपॉर्टेंट इंग्रीडियन जो कि है ये तो सबसे पहले हमें ले लिया थोड़ी सी दही और इसमें डालनी है थोड़ी सी मिंट सॉस या मिंट चटनी कह लो फिर नमक और काली मिर्च और अब रेडी हो गया हमारा मिंट कर्ड वाला डिप और ना ध्यान रखना कि इसके लिए खट्टी वाली दही मत यूज़ करना फ़्रेश कर्ड यूज़ करना और ये जो डिप है ना ये इतना कॉम्पलीमेंट कर रहा था इन स्नैक्स को बहुत टेस्टी लग रहे थे अच्छा चलो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना